इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, आज होलिका दहन का दिन है। हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी मान्यता है होलिका दहन का। भक्त प्रहलाद जब अच्छाई के रास्ते पर जा रहे थे तो उनके खुद के पिता बुराई के रास्ते पर थे, और उन्होंने भक्त प्रहलाद का हत्या करवाने के लिए अपनी बहन को लगाया कि जाओ उसको मारो, नहीं तो मेरी सल्तनत में मुसीबतें आएंगी। और अंत में होलिका को एक सॉल दी गई थी कि जिससे वो कभी जलेगी नहीं, लेकिन विधि का विधान देखिए कि अच्छाई की जीत होती है और होलिका की मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने हम सारे लोगों को, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो अंत तक अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी आज। तो तमाम इतिहास हमेशा से हम सारे लोगों को सिखाता है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग कहा था कि अंत में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, पिक्चर के अंत में सब कुछ अच्छा हो ही जाना है, ऐसा विधि का विधान है। दोस्तों बड़े ही सावधानी से आप अपना चुनाव करिएगा। मैंने पहले लाइन में ही कहा था कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी परछाई हमेशा काली होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, गॉड ने एक दो चीज़ें आपके अंदर दी है, एक अच्छी और एक बुरी। कोशिश करिएगा कि बुरी चीज़ें कभी आपके ऊपर हावी ना हो, क्योंकि ये आपके अंदर है। हमारे अंदर एविल भी है, हमारे अंदर फरिश्ता भी है। तो हमेशा याद रखिएगा, अपनी बुरी ताकतों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपकी जो अच्छी स्ट्रेंथ है, जो आपकी अच्छाई है, उसको आप बाहर लेके आएं, जिससे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी कौम के लिए एक अच्छा मैसेज जाए और कुछ लोग अच्छा फील करें आपकी वजह से। सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है आपकी अच्छाई की। अपनी अच्छाई दोस्त कभी मरने मत दीजिएगा। होलिका दहन का दिन है, मैं आप सारे लोगों से, जी हाँ, मैं आप सारे लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि अपनी अच्छी चीज़ों को, जो आपके अंदर गॉड ने इनबिल्ड दी है, उस अच्छी चीज़ को बाहर लेके आइए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया हो, और अगर दिल में टच किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। छोड़े जाता हूँ आपको इन विचारों के साथ। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे लिखिए, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भलाई की सप्लाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।